बड़ी खबर का रुख करते हैं। बाड़मेर की जेल में कोरोना विस्फोट। दरअसल चार संक्रमित कैदियों के संपर्क में आए 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव। 100 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट आना भी बाकी है। बाड़मेर जेल में 125 कैदियों से ज्यादा की संख्या है। वहीं बाड़मेर जेल में कोरोना विस्फोट के बाद चिंता में प्रशासन। अब तक जेल में 47 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बाड़मेर में अब तक कुल 2213 पॉजिटिव मिल चुके हैं। और बेहद चौंकाने वाली खबर, क्योंकि ना सिर्फ अब इनकी जद में कैदी होंगे बल्कि वो स्टाफ भी होगा जो जेल के अंदर मौजूद रहा। और चौंकाने वाली खबर इसलिए क्योंकि महज चार संक्रमित कैदियों के संपर्क में आने से 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसलिए फर्स्ट इंडिया बार बार कह रहा है कि दूरी बनाकर रखिए। जरूरी नहीं कि जिसके संपर्क में आप आए वहां कोरोना ना हो। अब जरा सोचिए, जो 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनको थोड़ी ना पता होगा कि चार जिन कैदियों के संपर्क में वो आए हैं उनसे उनको ही बीमारी मिलेगी। ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मेरे सहयोगी दुर्ग सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्ग सिंह, इस तरीके का एक अभियान तो चलाया गया था कि जेल के अंदर सभी की टेस्टिंग करा ली जाए, तो फिर अचानक से चार संक्रमित कैदियों के संपर्क में आने से 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए। 10 से ज्यादा के सैंपल आना अभी भी बाकी है। इसको लापरवाही कहें या फिर इसको कहें कि संजीदगी? देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर जेल में चार पहले पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद एहतियातन बाकी लोगों की सैंपलिंग की गई। कुल 189 यहां पर कैदी थे और साथ में 2 दर्जन से ज्यादा जेल का स्टाफ था, इनकी सैंपलिंग की गई। लेकिन इसमें आधे से भी कम सैंपलों की जांच जब हुई तो उसमें 43 और पॉजिटिव आए, चार पहले और 43। कुल 47 पॉजिटिव बाड़मेर जेल में हो चुके हैं। निश्चित तौर पर बेहद लापरवाही वाला काम रहा, क्योंकि पहले ही एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जेल मैन्यूअल में एक चीज को डाल दिया गया था कि जो कोई भी कैदी अंदर लाया जाएगा उसकी पहले पूरी टेस्टिंग होगी और उसमें जब इस बात को लेकर पूरी तरीके से विश्वास कायम हो जाए कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है उसके बाद ही उसको जेल में एंट्री दी जानी चाहिए। लेकिन जेल में एंट्री किस तरीके से चार पॉजिटिव लोगों की हुई और चार पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने से 43 दूसरे जो लोग हैं वो पॉजिटिव हो गए और 100 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी तक बाकी है, तो आज दोपहर के बाद तक जो रिपोर्ट आएगी उसमें इस बात को लेकर विजेंद्र साफ हो पाएगा कि बाड़मेर जेल के जो 125 से ज्यादा जो कैदी है उनमें से 47 लोग तो पॉजिटिव आ गए हैं, बाकी कितने लोग हैं जिनकी इस जांच के अंदर पॉजिटिव आने की जो आशंका है वो ज्यादा घर कर गई है। गुरु सिंह, एक लाइन में बताइए, क्या जेल अधिकारी से बातचीत हो पाई इस बारे में, क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं? देखिए, हमारी अधिकारियों से जब चार पॉजिटिव मिले थे उसी वक्त भी बातचीत हुई थी, उनसे पूछा गया था कि ये पॉजिटिव किस तरीके से है, क्या जो नॉर्म्स थे उनको फॉलो नहीं किया गया। इसके बाद उनका ये कहना था कि हम विशेष कैंप लगाकर सबकी सैंपलिंग करवा रहे हैं, लेकिन इस बात पर किसी के पास जवाब नहीं है कि ये चार पॉजिटिव लोग इन बाकी कैदियों के संपर्क में कैसे आए, क्या उनकी जो जांच और नियमित तरीके से एक मैनुअल को फॉलो करना था वो हुआ या नहीं हुआ, इस बात को लेकर जांच की जानी जरूरी है। क्योंकि एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक छोटी सी जेल जिसमें कैदियों की एक निश्चित क्षमता होती है उससे अधिक कैदी यहाँ पर है और इस कोरोना काल में अगर इस बात को लेकर चिंताएं नहीं जताई जाती है, चिंता नहीं दिखाई जाती है, तो निश्चित तौर पर जो इसके जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी बहुत जरूरी है।